कोरोना काल में निजी अस्पताल लोगों की परेशानी समझने की जगह उन्हें तंग ही कर रहे हैं। अब ये आरोप रांची के ऑर्किड अस्पताल पर लगा है। एक रिपोर्ट। सर्कुलर रोड लालपुर के रहने वाली एक युवती ने निजी अस्पताल ऑर्किड पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उसकी मां को इलाज के लिए भर्ती नहीं किया जा रहा था। कोरोना जांच करने के बाद इलाज शुरू तो किया गया, मगर जब मरीज को डिस्चार्ज किया तो मनमाना बिल थमा गया। कोरोना की निगेटिव मरीज के इलाज के लिए भी हर मरीज से अस्पताल पीपी किट के लिए हर बार 1300 से लेकर अतिरिक्त पैसे लिए। साथ ही आरोप लगाया गया कि कोरोना महामारी में दूसरे बीमारी से ग्रसित मरीज के इलाज में पसीने छूट गए। महामारी के इस संकट में भी अस्पताल का रवैया बेहद खराब रहा। सिर्फ मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलना ही निजी अस्पतालों का मकसद है। एक्चुअली मेरी पेशेंट ऑलमोस्ट 10 दिन वहाँ पे एडमिट थी, हॉस्पिटलाइज थी। 10 दिन का हमें 2 लाख रुपए का बिल दिया गया। देखिए, मैं मेरे पास बिल की कॉपी भी है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। तो 2 लाख रुपए और इनमें पीपी किट के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए बोल रहे हैं 1500 रुपए पर पीपी किट के लिए वो मुझसे चार्जेस किए। लेकिन पीपी किट, एक ही पीपी किट हर पेशेंट के लिए वो लोग यूज कर रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि निजी अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों को ही भर्ती करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे की कमाई अस्पताल वालों की हो सके। वैसे में दूसरी बीमारी से ग्रस्त सामान्य मरीजों को इलाज में बेहद मुश्किलें आ रही। 10 दिन की मेडिसिन उन्होंने 50,000 रुपए जोड़े हैं, देख लो आप, बिल की कॉपी है यहाँ पे। काफी बताओ, कहीं भी 50,000 की मेडिसिन 10 दिन के लिए कहाँ से होती है, जबकि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं है। निजी अस्पताल ऑर्किड की मनमानी की ये कोई कहानी नई नहीं। जरूरत है कि ऐसे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग जल्द लगाम लगाए और राजधानी के निजी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन तैयार किया जाए ताकि हर बार मरीजों को लूटने से बचाया जा सके। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।